दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR की तरफ से वेरियस डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और आर्किटेक्चर इंजीनियर एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और क्या बताया गया है इनके ऑफिशियल नोटिस में, उसमें आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा जॉब्स अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से 19 दिसंबर को जारी किया गया है और ये रहा आपका एडवर्टीजमेंट नंबर। अब बात कर लेते हैं हम आपकी इंपॉर्टेंट डेटों के बारे में। तो फॉर्म ऑनलाइन होने यहाँ पर आपके शुरू हो चुके हैं 19 दिसंबर से और लास्ट डेट यहाँ पर आपकी 17 जनवरी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी किस पोस्ट के लिए वैकेंसी रहने वाली है, नंबर ऑफ पोस्ट आपकी कितनी रहेंगी और आपकी वैकेंसीज को कैटेगरी वाइज कैसे बांटा गया है, पे लेवल आपका यहाँ पर क्या रहेगा और अपर एज लिमिट यहाँ पर आपकी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हम आपके नेम ऑफ पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपकी टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी रहने वाली है। टोटल यहाँ पर आपकी 34 पोस्टों के लिए वैकेंसी है, जिसमें UR के लिए 14, OBC के लिए 12, SC के लिए 1, ST के लिए 4 और EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 3 पोस्टों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं आपके पे लेवल के बारे में। तो यहाँ पर आपको जूनियर इंजीनियर के इक्विवेलेंट में सैलरी मिलने वाली है, यानी यहाँ पर आपका पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा 6। सैलरी यहाँ पर आपको 35,400 रुपये से लेकर 112,400 रुपये तक मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं आपकी अपर एज लिमिट के बारे में। तो अपर एज लिमिट यहाँ पर आपकी 28 ईयर रखी गई है, लेकिन यहाँ पर आपको एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, जैसे SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWBD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को 10 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपकी वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो पोस्टें यहाँ पर आपकी सारी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ही हैं। सबसे पहली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है कंप्यूटर वालों के लिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर टोटल 12 पोस्टों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फुल टाइम में 3 साल का, और डिप्लोमा में आपके मिनिमम 60% मार्क हैं और इसी के साथ आपके पास मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। आगे आपको और में करके दिया है, अगर आपने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लेटरल एंट्री यानी 12 के बाद, और आपके डिप्लोमा में मिनिमम 60% मार्क हैं और आपके पास मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। और अगली वैकेंसी यहां पर रहने वाली है सिविल इंजीनियर्स के लिए। सिविल इंजीनियर्स के लिए यहां पर 3 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। बात कर लेते हैं आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में फुल टाइम में 3 साल का, और डिप्लोमा में आपके मिनिमम 60% मार्क हैं और इसी के साथ आपके पास मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी प्राइवेट या फिर रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन का, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। आपको यहाँ पर और में करके दिया है अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री यानी 12 के बाद 2 साल का, और डिप्लोमा में आपके मिनिमम 60% मार्क हैं और मिनिमम आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी प्राइवेट या फिर रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन का, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगली वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर टोटल 2 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ बताई गई है, अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का फुल टाइम में, और डिप्लोमा में आपके मिनिमम 60% मार्क हैं और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और में करके दिया है अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 साल का, और डिप्लोमा में आपके मिनिमम 60% मार्क हैं और इसी के साथ आपके पास मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और अगली वैकेंसी है यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर 3 पोस्टों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। बात कर लेते हैं आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बताया गया है अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का, और
डिप्लोमा में आपके मिनिमम 60% मार्क हैं और इसी के साथ आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है लेटरल एंट्री में 2 साल का और मिनिमम आपके डिप्लोमा में 60% मार्क हैं और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। इनके लिए यहाँ पर 3 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर भी आपसे डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। फुल टाइम में अगर आपका डिप्लोमा है और डिप्लोमा में आपके मिनिमम 60% मार्क हैं, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री में, डिप्लोमा में आपके मिनिमम 60% मार्क हैं और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। और लास्ट वैकेंसी यहां पर रहने वाली है आर्किटेक्चर इंजीनियर्स के लिए। 2 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। यहां पर भी आपसे डिप्लोमा मांगा गया है आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में। फुल टाइम में है अगर आपका डिप्लोमा और डिप्लोमा में आपके मिनिमम 60% मार्क हैं, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। या फिर अगर आपने लेटरल एंट्री में डिप्लोमा किया है आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में, मिनिमम डिप्लोमा में आपके 60% मार्क हैं और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपका OMR बेस्ड या फिर CBT टाइप में हो सकता है। क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके मीडियम ऑफ क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपके बोथ में होंगे, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर जो भी आपका डिप्लोमा है या ग्रेजुएशन है, क्योंकि यहाँ पर आपकी अलग अलग पोस्टें रहने वाली हैं, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर आपसे आपकी रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर आपसे टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके लिए यहाँ पर आपको 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है। यहाँ पर आपके 3 पेपर होंगे। सबसे पहले होगा आपका पेपर 1, इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलने वाला है। इसमें आपसे मेंटल एबिलिटी के 100 नंबर के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस पेपर में आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और पेपर 2 में यहाँ पर आपसे जनरल अवेयरनेस के 25 और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 क्वेश्चन यहाँ पर आपका 3 नंबर का होगा और यहाँ पर आपकी 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी और इसके लिए आपको यहाँ पर 1/2 घंटे का समय मिलने वाला है। और पेपर 3 आपका होगा जो भी आपकी रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या जो भी आपकी ब्रांच है, जो जो ब्रांचें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, यहाँ पर आपसे 300 नंबर के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी 1 क्वेश्चन यहाँ पर आपका 3 नंबर का होगा और यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग भी रहेगी और इसके लिए यहाँ पर आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपके अदर बेनिफिट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बेसिक पे के अलावा जो भी अलाउंस मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये सारे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई, आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो ये रही इनकी ऑफिशियल साइट, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करके अपना फॉर्म ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी इंपॉर्टेंट डेटों के बारे में। तो फॉर्म ऑनलाइन होने यहाँ पर आपके शुरू हो चुके हैं 19 दिसंबर से और लास्ट डेट यहाँ पर आपकी 17 जनवरी 2023 रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो यहाँ पर जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये रहने वाली है और आपकी जो बची कैटेगरी SC ST PWBD वुमेन या फिर जो भी इसके इंटरनल कैंडिडेट हैं, उनकी यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रहेगी। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे डिप्लोमा किया है इन ब्रांचों से, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सिविल इंजीनियरिंग के सबसे ज़्यादा जॉब्स अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें।